किसानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन। दिल्ली जयपुर हाईवे पर उतरे राजस्थान के किसान, सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने बहरोड से वाहनों को डाइवर्ट कर जाम कम करने का किया प्रयास। किसान आंदोलन के मद्देनजर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने गृह मंत्री से की मुलाकात। किसानों से वार्ता आगे बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। किसान आंदोलन से पंजाब भाजपा को बड़ा नुकसान। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने दिया इस्तीफा। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने की कही बात। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा कल से 24 घंटे उपलब्ध कराने का किया ऐलान। ग्राहक 14 दिसंबर की रात 12:30 बजे के बाद कभी भी किसी भी समय ट्रांसफर कर सकेंगे पैसे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय। सेना को दिया 15 दिनों के सघन युद्ध के लिए गोला बारूद जमा करने का आदेश। इससे पहले भारतीय सेना के पास था सिर्फ 10 दिनों के सघन युद्ध का गोला बारूद। हरियाणा में 13 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोले जा रहे स्कूल। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए 21 दिसंबर से चालू होंगी कक्षाएं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 8 महीने से बंद पड़े थे विद्यालय। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी कमेटी की बैठक में बोले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओबीसी आरक्षण पर हाथ लगाया तो चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं ने ओबीसी में मराठा समाज को शामिल करने की कही थी बात। टीआरपी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रिपब्लिक चैनल के सीईओ विकास खान चंदानी गिरफ्तार। भाजपा विधायक ने कहा यह उद्धव सरकार की तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। कल से शुरू होगा महाराष्ट्र का 2 दिवसीय विधानसभा अधिवेशन। भाजपा ने कम समय को लेकर उठाए सवाल। देवेंद्र फडणवीस ने कहा चर्चा से बचने के लिए सरकार बुला रही इतना छोटा अधिवेशन। शिवसेना विधायक प्रताप सर नाइक के घर ईडी की छापेमारी में मिला पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड। ईडी ने पिता पुत्र को भेजा समन। बीजेपी ने कहा शिवसेना हिंदुत्व के साथ छोड़ रही देशभक्ति। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।